भगवान का नाम ही सार्थक है, फ्री फंड का। इसी से जीव का कल्याण होगा। जब वो व्यक्ति यहां से संसार छोड़ करके जाता है, शरीर जब छोड़ देता है, तो हम सब जाते हैं उसके पीछे पीछे, आगे आगे चार लोग उसको लेकर के चलते हैं, और पीछे से बोलने वाले बोलते हैं, उनके साथ में जो रहते हैं वो भी बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है। अब ईमानदारी से बताओ, जय राम नाम सत्य है, किसी कन्या की भावनाएं पड़ रही हो, विवाह हो रहा हो, या जयमाला डल रही हो, वो कोई लड़का दौड़ के वहीं पहुंच जाए और चिल्लाए राम नाम सत्य, तो बताओ उसकी गनीमत है? जबकि वो तो सत्य कह रहा है, लेकिन प्यारे वहां ये नहीं चलेगा। वहां तो जो चलना चाहिए, जो विवाह की रस्में होती हैं, वो ही अच्छी लगेगी। भगवान का वो कह तो सही रहा है, लेकिन सही समय पे नहीं कह रहा है। एक कवि कह रहा है ना कि समय समय पे होते हैं, समय समय की बात, काहू दिना को दिन बड़ो, सुकाहू दिना की रात। इसलिए कवि तो कहता है ये कवि जितने हुए हैं, जो बातें लिख गए हैं वो व्यर्थ की नहीं है। एक कवि ने तो लिखा है, जो कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं और कहने पर भी वो भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो उनके लिए लिखा है कि जो कीर्तन में बैठ के भैया ले बेना हरि को नाम, सो जन्म घोड़ा बनो, सो मुख में पड़े लगाम। मानो घोड़ा तो सबने देखा है, घोड़ा हेने नाता है, तो हेने नाता है तो वो संकेत करता है, भैया उस जन्म में हम भी आप जैसे मनुष्य थे और बहुत आपकी तरह हमने कथा सुनी, कई जगह भागवत श्रवण की। पंडित जी ने खूब कहा कि भजन करो, लेकिन हमारे ऊपर भजन का कोई रंग ही नहीं चढ़ा। तो उसका परिणाम ये हुआ भैया कि इस जन्म में हमें घोड़ा बनना पड़ा। अब चाहने पर भी हम अपनी भाषा में बोलते तो हैं, लेकिन अब ये भाषा कोई समझते ही नहीं है, हमारी बिरादरी के हमारी भाषा ये समझते हैं। इसीलिए भैया जब जब मौका मिले तब तब भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। गोविंदावन बिहारी लाल की जय, काली मैया की जय। कलयुग में भगवान का भजन ही सार्थक है। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, राजन संसार में आकर के सब कुछ मिल सकता, लेकिन दो चीजें बड़ी कठिनाई से मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो संत का दर्शन और एक सत्संग, दो चीजें इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होती। कभी भाव दे रहा है, ताते मिले पूर्णिमात मिले, सोते भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले
गजबाज मिले विधिना भी मिले बेकुंठ जाय। और हूँ साज मिले सब विधि पर अति दुर्गम संत समागम भाई। संत का दर्शन और सत्संग का आनंद। और याद रहे खूब सत्संग करो, संतों का संग करो, भगवान का भजन करो। लेकिन जिससे भी अपने मुखारविंद से बोलो तो बोलने के पहले अपनी वाणी को तोलो कि अपनी वाणी दूसरे को अच्छी लगना चाहिए, बुरी नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही हम कथा कह रहे थे एक जगह, बहुत बड़ा ग्राउंड था, वो ग्राउंड में पब्लिक भरी थी और बीच ही कथा में एक जने बाबूजी उठ करके आए और पूरी श्रोताओं को चीरते हुए व्यास पीठ पर यहाँ आकर के खड़े हो गए। हमने सोचा इनको कुछ माला वगैरह चढ़ानी होगी ठाकुर जी को, इसलिए खड़े हो गए। बोले पंडित जी, हमने जी बताएं। बोले हमारा नाम बाबूजी है। अच्छा, हमने कहे जी बाबूजी बताओ आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बोले सेवा कुछ नहीं, हमारे घर वालों ने हमसे कहा था कि आप जा रहे हो तो पंडित जी से पूछ के आना। हमने भैया बीच कथा में पूछ रहे हो, आगे पीछे पूछ लेते। अब बोले अब हमें जाना था, हम बाबूजी हैं। अरे हमने बाबूजी हो तो और किसी से और पूछ लेते। नहीं बोले आप ही से पूछने के लिए हमारे घर वालों ने कहा था। तो हमने कहा भैया पूछो। अब हमें भी थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई कि बाबूजी हैं, दो बार बोल चुके हैं, न जाने क्या पूछने वाले हैं। हमने तुरंत हनुमान जी महाराज को याद किया, पूछेगा हमसे और बताना है, हमें हमारे बस की बात नहीं है, पता नहीं क्या पूछने वाला है। तो हमसे वो बाबूजी बोले पंडित जी घबराओ नहीं, कोई विशेष बात नहीं है, विशेष बात नहीं है। तो हमने कहे पर पूछो। बोले हमारे घर वाले हमसे बोल रहे थे कि आप जा रहे हो तो ये बात पंडित जी से पूछ के आना। हमने क्या कि पंडित जी का ये क्रियाक्रम कितने बजे से चलता है। बोले हम ज्यादा विशेष बात नहीं पूछ रहे। हमने कि अवशेष कुछ बचा भी नहीं, क्या बचा है बताओ। बोले अब क्रियाक्रम हमने हमसे पूछा, अब बताओ आप सब श्रोता बैठे हम क्या जवाब देते उन्हें। बोले आप बता दीजिएगा आपका क्रियाक्रम कितने बजे से। हमने मरने के बाद जिंदा में किसी का नहीं हुआ, आप बताओ क्रियाक्रम। विचारे नहीं बोले क्षमा करें आप गलत बोल रहे हमें। हमने गलत नहीं बोले, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे। तो बोले हमने कि आप उल्टा बोल रहे हैं। उनको बेचारे को कार्यक्रम के बारे में कहना था, जिसको वो कार्यक्रम कहना था कि ये पूछना है, घर वालों ने कहा था ये कार्यक्रम ये कथा कितने बजे से होती है। तो कार्यक्रम हो कहना तो भूल गए, क्रियाक्रम के पूछ। ये बाबू जी हैं, हमने कहे बाबू जी और इतनी सी बात यहाँ पूछने के लिए आप आए, आगे पूछ लेते किसी से। नहीं बोले घर वालों ने आप ही से पूछने के लिए बोला था। हमने कहे कृपा करो आपने पूछ लिया, हमने बता दिया। तो कहने का तात्पर्य पहले बोलो, लेकिन बोलो बाद में पहले अपनी वाणी को तोलो। भाव कभी दे रहा है ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खो और ने को शीतल करे और आप हूं शीतल हो। अपनी वाणी के माध्यम से किसी को ठेस ना पहुंचे ये प्रयास करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं।
स्वयंभू मनु के महाराजा तीन पुत्रियां हुई, दो पुत्र हुए, देवहूति प्रसूति आकृति। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। और इन्हीं के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाल। बड़ा प्यारा प्रसंग, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। प्रियव्रतोन पादौ शतरूपापतये सुतौ वासुदेवस्य कलयः रक्षाया जगतास्तितो। महाराज उत्तानपाद महाराज बड़ी सुशील स्वभाव से राज्यपाट चलाते हैं और यहाँ महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ में हो गया। विवाह के कई वर्ष बीत गए लेकिन सुनीति के यहाँ पुत्र नहीं हुआ। महाराज उत्तानपाद जंगल में गए एक दिन तो वहां एक बड़ी ही सुंदर देवी जी मिल गई जिनका नाम है सुरुचि। महाराज उत्तानपाद ने देखा तो सुरुचि के सुंदर शरीर पर मोहित हो गए। सुरुचि से बोले, देवी हम आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। यहां सुनीति का विवाह हो गया लेकिन कई वर्ष बीत गए, पुत्र नहीं हुआ। सुनीति ने एक दिन महाराज उत्तानपाद से कहा, महाराज लगता है हमारे भाग में हमारे कुख से पुत्र नहीं होगा, इसलिए महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। अब उत्तानपाद महाराज आज जंगल में पहुंचे, वो याद आ गया कि सुनीति महारानी ने कहा था कि दूसरा विवाह कर लो, तो अपने पिताजी के पास में सुरुचि ले गई। बोले, महाराज हम आपके साथ में विवाह तो करेंगे पर हमारी शर्त होगी। क्या शर्त? जैसा हम कहेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। सुंदर स्वरूप पे महाराज उत्तानपाद इतने मोहित हो गए, तुरंत कह दिया सुरुचि से कि देवी तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करते रहेंगे, आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। गंधर्व विधि के साथ में विवाह सुरुचि के साथ में संपन्न हो गया और सुरुचि को लेकर के जैसे ही डोले में बैठा करके महाराज उत्तानपाद अपने महल के बाहर आ गए तो दरवाजे पर देखा कि सुनीति माता इंतजार कर रहे हैं। सुरुचि को महाराज उत्तानपाद ने डोले में से उतारना चाहा कि सामने से ही देख लिया कि दूसरी देवी कोई खड़ी है। महाराज उत्तानपाद से सुरुचि ने कहा, राजन महाराज अपना घर कौन सा है, अपना महल कौन सा है? महाराज उत्तानपाद ने कहा, सामने वो देवी देख रहे हो ना, वही अपना महल है, पर ये है कौन? उत्तानपाद महाराज ने कहा, ये हमारी पहली वाली रानी है। तुरंत सुरुचि चिल्लाकर बोली, महाराज आपने हमारे साथ में छल किया है, धोखा किया है, आपने हमें बताया तक नहीं कि हमारा विवाह हो गया। अब महाराज याद रखना, सोच लो इस घर में या तो पहली वाली आपकी महारानी रहेंगी या फिर हम रहेंगे। जब ये बात सुनी महाराज उत्तानपाद ने कहा कि कुछ समय बाद निकाल लेंगे, लेकिन सुरुचि मानने को तैयार नहीं।
सुरुचि कह रही महाराज हमने पहले बोल दिया था कि जो हम कहेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। सुनीति के पास में आज महाराज उत्तान पाद पहुंचे, बोले देवी कुछ समय के लिए इस घर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, बाद में हम तुम्हें इसी घर में रख लेंगे। मुस्कुरा पड़े सुनीति कि महाराज हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आगे का राज्य पाठ तो ही चले। ये सुनीति ने कहा महाराज अपना वंश निर्वंश तो नहीं रहेगा, आगे का राज्य पाठ चलाने का कोई उत्तराधिकारी तो हो जाएगा, इसलिए हमें इस महल में निकलने से कोई आपत्ति नहीं है। तुरंत उत्तान पाद महाराज ने सुनीति को लिया, एक आश्रम में छोड़कर के आए। वहां सुनीति रहने लगी। संतों का आश्रम था महाराज, रोज सत्संग का आनंद ले रही हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं और आश्रम की सेवा कर रही हैं। यहां सुरुचि महाराज महलों के अंदर प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तो एक दिन महाराज कई वर्षों बाद जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, घोड़ा पर बैठकर गए। और महाराज जंगल में जब घूमते फिरे चारों तरफ तो बहुत समय बीत चुका था, शाम हो चुकी थी। प्यास के कारण महाराज उत्तान पाद बड़े व्याकुल होते, कहीं पानी नहीं मिला, दूर दूर तक देखा कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। उसी आश्रम में पहुंच गए, बिल्कुल रात्रि होती ही जा रही थी। जब पहुंचते पहुंचते घोड़े पर ही महाराज बेहोश हो गए उत्तान पाद महाराज। पहली आवाज लगाई, एक आवाज लगा करके बेहोश हो गए घोड़े पे। बेहोश जब घोड़े पर हो गए महाराज उत्तान पाद तो नीचे गिर पड़े। ये आवाज सुनीति ने सुनी, ये तो हमारे महाराज की आवाज है, ये हमारे महाराज की आवाज लग रही है। दौड़ी दौड़ी सुनीति माता आई, महाराज उत्तान पाद को बेहोशी अवस्था में देखा, उठा करके अंदर ले गई आश्रम में। साधु संतों को सारा हाल बताया कि हमारे पति हैं, मूर्छित अवस्था में हमें बाहर मिले, पानी किंचा, चेतन अवस्था में हुए महाराज उत्तान पाद। पूछा ये अचानक बेहोशी कैसे आ गई, इसके पहले तो आपको कभी बेहोशी नहीं छाई थी, क्या कारण है? उत्तान पाद महाराज मुंह से नहीं बोल पाए, हाथ से इशारा किया कि पहले जल पिलाओ, जल। प्यास लगी बड़ी जोड़ की, तुरंत सुनीति माता दौड़ करके गई और पानी पिलाया। तब बोलने की सामर्थ्य आई, प्यास के कारण ही हम बेहोश हो गए थे। रात्रि में वहीं पर विश्राम हुआ। साधु संतों की ऐसी कृपा हुई कि पुत्र प्राप्ति का वरदान सुनीति को मिल गया। रोज सत्संग में जाती थी सुनीति, तो संत भगवान एक ही वरदान देते थे, सौभाग्यवती भवो पुत्रवती भवो। जहां एक भी पुत्र नहीं था, आज यहां पर महाराज सुनीति के गर्भ से कुछ समय बाद एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। और यहां ध्रुव ने जन्म लिया माता सुनीति के गर्भ से, और कुछ ही समय बाद सुरुचि सुनीति के गर्भ से ध्रुव ने जन्म लिया, और सुरुचि के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ उत्तम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं रजन एक समय की बात है, महाराज उत्तान पाद सुरुचि के बेटा जिसका नाम है उत्तम, उत्तम को लेकर के गोदी पर बैठे थे, गोदी में बिठा लिया। किसको? उत्तम को, सुरुचि के बेटा को।
लेकिन ऐसे ही खेलते खेलते सुनीति माता का वो छोटा सा बेटा ध्रुव भी पहुंच गया, और जैसे ही देखा महाराज उत्तानपाद ने तो उसको भी उठाने की कोशिश की, उठा ही लिया। भागवत में बड़ा प्यारा श्लोक आया, एक दासुरुचे पुत्र पुत्र मारो पिलालयन उत्तमम नारोर क्षंतव्यम ध्रुवम राजा अभिनंदिता। महाराज जैसे ही गोदी में उठाया उत्तानपाद महाराज ने कि सुरुचि ने देखा, वो तुरंत हाथ से झटक करके नीचे पटक दिया। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा, मां ये हमारे पिताजी नहीं है, आप हमें गोदी से नीचे क्यों पटक रही हो? क्या केवल ये उत्तम के ही पिता हैं? अरे ये उत्तम के पिता हैं तो हमारे भी पिता हैं। सुरुचि ने कहा, ध्यान से सुन, ये तेरे पिता हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं तेरी माता नहीं हूं, और तुझे अगर पिता की गोदी में बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो पहले परमात्मा से प्रार्थना करो। परमात्मा जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे एक ही वरदान मांगो कि अबकी बार हमें अगर जन्म दो तो सुरुचि के गर्भ से हमें जन्म दोगे, तभी सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो पाओगे। दौड़े दौड़े महाराज ध्रुव जी माता सुनीति के पास में आए। माता सुनीति को सारा हाल बता दिया कि सुरुचि माता ने हमें सिंहासन से नीचे पटक दिया, क्या वो हमारे पिताजी नहीं है? सुनीति माता ने कहा, बेटा वो पिता हैं, और तेरे पिता तो जगत पिता हैं, जगत पिता है, जगत पिता हैं, तो वो मिलते कहां हैं, ये बताओ। उन्होंने कहा, सुनीति माता ने ध्रुव से, बेटा वो तो हर जगह हैं, और तुम्हें परमपिता परमात्मा की अगर प्राप्ति करनी है तो जंगल में चले जाओ, भगवान का भजन करने के लिए परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सुबह से जाना, जमुना जी में स्नान करना, और आसन लगा करके बस भजन प्रारंभ कर देना। मन में ठान लिया, 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने मां से आशीर्वाद लिया और घर को छोड़ दिया, जब तक हम अपने परम पिता परमात्मा से नहीं मिल लेंगे, आज हमारी माता ने हमें पिताजी की गोदी से झटक करके नीचे पटक दिया, मानो ऐसी फुसकारी मार रहे हैं ध्रुव जी महाराज जैसे सर्प की पूंछ पर कोई अपना अंगूठा रगड़ देता है, या सर्प कुचल जाता है किसी से तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है, फुसकारी मार देता है कि सावधान हो जाओ। इसी प्रकार से आज ध्रुव जी महाराज फुसकारी मार रहे हैं, फूट फूट करके रो रहे हैं। हम अपने परमपिता परमात्मा को जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। घर को छोड़ दिया महाराज, आगे पहुंचे तो नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने सारा हाल बता दिया, हम अपने जगत पिता की खोज में जा रहे हैं, जंगल में उन्हें प्राप्त करने के लिए। ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो गया, हमारी माता ने कहा कि जा, तेरा पिता तो जगत पिता है, जंगल में वन में जा भजन करना, तुझे तेरा जगत पिता मिल जाएगा। नारद जी महाराज आज छोटे से बालक की परीक्षा ले रहे हैं, और जब देखा कि बालक परीक्षा में पास हो गया है तो एक गुरु मंत्र दे दिया कान में, जाओ बेटा पहले तो
बहुत डराया ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कि बेटा जंगल में नहीं मिलते हैं जगत पिता, घर लौट जाओ। घर कितनी बार भोजन करते थे? बोले जितनी बार भूख लगती थी उतनी बार भोजन करते थे। अच्छा घर इतनी बार? दो बार, तीन बार, जितनी बार याद नहीं रहता कितनी बार करते। अच्छा कौन कराता था भोजन? हमारी माँ परोस करके लाती थी, गोदी में बिठाती थी और अपने हाथ से भोजन कराती थी। अच्छा लेकिन तुम जंगल में जा रहे हो जगत पिता को ढूंढने के लिए, वहां तुम्हारी माता नहीं मिलेगी ना तुम्हें भोजन मिलेगा, वहां क्या खाओगे? ध्रुव जी महाराज ने कहा खाने के लिए नहीं जा रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं।